राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले रूसी संसद को संबोधित करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और यूरोपीय देशों को बड़ी चेतावनी दी है। यूक्रेन में नाटो सैनिकों को उतारने के फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के प्रस्ताव का जिक्र करते हुए पुतिन ने कहा कि इस तरह की बकवास करने वाले सोच ले कि फिर इसका परिणाम विनाश ही है। पुतिन ने यूक्रेन की मदद करने वालों को हड़काते हुए कहा कि रूस के खिलाफ युद्ध में जाने से उन्हें ही नुकसान होना तय है। ऐसे आक्रमणकारियों को समझना चाहिए कि हमारे पास भी हथियार हैं जो उनके क्षेत्रों पर हमला कर सकते हैं। उनका परिणाम अतीत की तुलना में बहुत ज्यादा दुखद होगा। व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में वार्षिक अधिवेशन के दौरान देश को संबोधित करते हुए कहा कि रूस आज GDP के हिसाब से यूरोप की सबसे बड़ी और दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। जैसा कि अपेक्षित था, पुतिन राष्ट्रपति चुनाव से पहले इस मुद्दे को देश में भुनाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि यूक्रेन से 2 साल से चल रही जंग में उनके देश के हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं और कई सैनिक 2 साल से अपने परिवारों से अलग यूक्रेन में लड़ रहे हैं। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में हो रहे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में हमें जनता का समर्थन मिला। उन्होंने जंग लड़ रहे सैनिकों को हीरो बताया। उन्होंने कहा, सैनिकों को पूरे देश का समर्थन मिला है। पुतिन ने जंग में मारे गए सैनिकों के लिए मौन भी रखा। इसके बाद उन्होंने कहा, रूस अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। अमेरिका देश में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। वो देश में विभाजन को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से दृढ़ है, लेकिन एकता के जरिए हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। एकता से ही हमने कोरोना और आतंकवाद का मुकाबला किया है। व्लादिमीर पुतिन ने रूस के साथ युद्ध में जाने के खिलाफ पश्चिम को चेतावनी भी दी। पुतिन ने कहा, उन्हें ये समझना चाहिए कि हमारे पास भी ऐसे हथियार हैं जो उनके क्षेत्र में हमला कर सकते हैं। इसके अलावा पुतिन ने दावा किया कि रूसी अर्थव्यवस्था ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रूस में प्रगति नहीं रुकी है। दिसंबर 2023 में प्रकाशित विश्व बैंक डेटा 2022 का जिक्र करते हुए पुतिन ने दावा किया कि रूस को विश्व GDP में 8वां स्थान प्राप्त है, जबकि यूरोप में जर्मनी, यूके और फ्रांस के बाद 4थे स्थान पर रूस आता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने आगे कहा कि पिछले साल देश ने आर्थिक विकास के मामले में सभी G7 देशों को पीछे छोड़ दिया है। आखिर में उन्होंने उम्मीद जताई कि रूस जल्द ही दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।